चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं हायर की 32 इंच एलईडी टीवी के बारे में। दोस्तों, ये हायर की 32 इंच एचडी रेडी टीवी है जिसका मॉडल नंबर होता है LE32D4000। हमने पिछले वीडियो में हायर की LE32D2000 के बारे में बात की थी। यहाँ LE32D4000 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये बेजललेस एलईडी टीवी है, वो बेजललेस नहीं थी, उसमें बेजल हुआ करती थी। ये बेजललेस एलईडी टीवी है, एचडी रेडी विद एचडीएमआई पोर्ट्स, यूएसबी मूवी और यूएसबी टू यूएसबी कॉपी के साथ। इसमें एक नया फीचर जो जुड़ा है वो है यूएसबी से यूएसबी में कॉपी करने का। तो दोस्तों, हम इस एलईडी टीवी के सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस आपको बताएंगे। पहले मैं बता दूं कि ये किस प्राइस रेंज में मिलती है। दोस्तों, ये हमें 16-17 हजार के प्राइस रेंज में मिल जाती है, क्योंकि अभी रेट्स काफी बड़े हुए हैं, ये फिर भी कम बजट रेंज में हमें मिल जाती है। इसको ऑनलाइन परचेस करने के लिए ऑर्डर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और हम अनबॉक्स करें इतने अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आपको हमारे और भी वीडियोस मिलते रहे। तो अनबॉक्स करने के बाद कुछ इस तरह के थर्माकोल में पैक की हुई एलईडी टीवी हमें मिलती है। वहां भी आपने देखा था बढ़िया पैकिंग थी, रस्सियों के सहारे पैक किया गया था। और यहाँ देखिए आप, इधर भी बढ़िया पैकिंग के साथ हमें ये एलईडी टीवी मिलती है। ये देखें, इसकी एसेसरीज हैं, स्टैंड है, ये रिमोट और इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल आदि चीजें इसमें दिए हुए हैं। हम पूरी तरह से अनबॉक्स कर लेते हैं, पन्नी वगैरह सब कुछ हटाकर आपको एलईडी टीवी दिखाते हैं। पन्नी से बाहर निकालने के बाद कुछ इस तरह की एलईडी टीवी हमें मिलती है, स्लिम बेजल वाली, यानी कि बेजल लेस इसे कहते हैं। इसमें बेजल का मतलब होता है बॉर्डर। ये जो बॉर्डर है, हमने देखा था LE32D2000 में बॉर्डर हुआ करती थी थोड़ी मोटी, यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, बेजल नहीं है। बेजल में से पतली खूबसूरत दिखती है टीवी इससे। और यहाँ देखें, ये हमें मिलते हैं एक ये रिमोट कंट्रोल है इसका, ये पेयर ऑफ बैटरीज दो सेल्स में मिलते हैं, ये टेबल माउंट स्टैंड है इसका, यूजर मैनुअल दिया हुआ है और ये स्टैंड इसके वॉल माउंट के लिए, अगर वॉल माउंट आप करना चाहते हैं तो ये स्टैंड इन्होंने दिया हुआ है। अब दोस्तों, इस एलईडी टीवी के बारे में बात करें तो 32 इंच इसका साइज है, 80 सेंटीमीटर, बेजल लेस है, एचडी रेडी है, एचडीएमआई इसमें है और यूएसबी शेयर है इसमें, मूवी म्यूजिक और वीडियो सब कुछ आप यूएसबी से चला सकते हैं, इस तरह से आप यूएसबी को यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक जो मेन फीचर मैंने बताया था वो है यूएसबी टू यूएसबी कॉपी, एक यूएसबी से दूसरे यूएसबी में आप कॉपी कर सकते हैं इस एलईडी टीवी में, जो पहले नहीं हुआ करता था। इसके रिजोल्यूशन की बात करें तो वो है 1366x768 का, यानी कि फुल साइज का रिजोल्यूशन इसका होता है। ऑडियो पावर आउटपुट की बात करें स्पीकर्स की, तो दो स्पीकर इसमें होते हैं 10-10 वाट के, 10-10 वाट के दो स्पीकर इसमें हैं और इसमें साउंड इक्वलाइजर भी होता है जिससे कि आपको बढ़िया साउंड मिलेगा। ऑडियो आउटपुट भी अच्छा है, साउंड इक्वलाइजर है तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा साउंड का। साथ ही ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल है इसमें और एसी पावर इनपुट है इसमें, आरएफ कनेक्शन है, यूएसबी है, कंपोनेंट शेयर के लिए है, कंपोनेंट वीडियो, ये सब के इनपुट्स इसमें दिए हुए हैं। इसमें यूएसबी 2.0 के पोर्ट्स हैं, दो पोर्ट हैं इसमें और ओएसबी लैंग्वेज है इसमें। साथ ही इसका वेट भी कम है, बेजललेस है और वेट भी इसका कम होता है, 3.6 केजी का वेट होता है टीवी का, सिर्फ टीवी का। और अगर आप पूरे पैकेट की बात करें तो 6.5 किलो का ये होता है, यानी कि इजीली आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। और इसके डायमेंशन की बात करें तो 720x190x468 इसका डायमेंशन होता है एमएम में। ये
इस तरफ से देखें आपको 720, 190, 468 ये इसका डायमेंशन है। और इसके बैक साइड में देखें आप, सामने भी मैं बताऊं आपको, तो जैसे हम ऑन करते हैं तो पावर लाइट ऑन हो जाती है। इसमें ये यहाँ पर पावर लाइट है इंडिकेटर, और यहाँ बटन दिए हुए हैं पीछे, आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे तो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करना सबसे बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही अब आप इसके पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। ये देखें यहाँ चार स्क्रूज दिए हैं, यहाँ वॉल माउंट हम इस टीवी को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आप देखें यहाँ पर कि ये ऑडियो वीडियो आउट का पोर्ट दिया हुआ है, HDMI 1, HDMI 2, दो HDMI के पोर्ट्स हैं यहाँ पर, फिर PC इन का पोर्ट है, VGA का पोर्ट है। VGA का पोर्ट किस लिए है दोस्तों, ये लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए, आपके पास अगर लैपटॉप है उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ VGA से कनेक्ट कर सकते हैं। ये PC ऑडियो के लिए है, ये एंटीना का है, और कुछ पोर्ट्स इस साइड में दिए हैं। ये ऑडियो वीडियो इन के दो पोर्ट हैं, ऑडियो वीडियो इन 1 और 2, फिर ये USB के 1 और 2 पोर्ट हैं। ये हेडफोन के लिए पोर्ट दिया हुआ है, हेडफोन जैक, आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह की ये LED टीवी होती है, हाई 32 इंच HD रेडी LED टीवी, LE32D4000। तो दोस्तों ये मेरे सामने एक अच्छी LED टीवी है, 32 इंच LED टीवी अगर आप लेना चाहते हैं, जो स्मार्ट नहीं है लेकिन फीचर्स फिर भी काफी अच्छे हैं इसमें, और बजट में मिल जाती है, 16-17 हजार के बढ़िया प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ वहां से आप परचेस कर सकते हैं इसे। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।